का कल 69 साल की उम्र में निधन हो गया था और अभी उनका शरीर जो शव है वो अंतिम संस्कार के लिए शमशान भूमि जुहू के पवनहंस शमशान भूमि पहुंच चुका है। ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां कई बॉलीवुड सेलेब्स बप्पी दा के आखिरी दर्शन के लिए वहां पर पहुंचे हुए हैं। अभी से कुछ ही देर पहले शक्ति कपूर और कई अन्य बॉलीवुड सेलेब्स वो पहुँचे हुए थे। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये रूह को झकझोर देने वाली तस्वीरें बप्पी दा की बेटी रीमा लहरी की ये तस्वीरें हैं। कल से ही लगातार बताया जा रहा है कि उनकी हालत भी रो रो कर काफ़ी नाजुक बनी हुई है। ये बप्पी लहरी की जो अंतिम यात्रा है, अंतिम यात्रा की ये तस्वीर है। बेटी रीमा के ही बाहों में बप्पी दा ने आखिरी सांस ली, उनके ही बाहों में बप्पी दा ने अपना दम तोड़ा। ये तस्वीरें देख सकते हैं, कुछ ही पलों में अब अगर देखा जाए तो उनके अंतिम संस्कार की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। कुछ ही पलों में जो है वो पंचतत्वों में विलीन हो जाएंगे। हमारे सहयोगी प्रीतम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रीतम जी, क्या जानकारी मिल पा रही है, कैसा माहौल है इस वक्त वहाँ का? जी, इस वक्त माहौल ये है कि जो हम सबके प्यारे और चहेते बप्पी दा थे यानी बप्पी लहरी, अब वो गुर्दे खाक यानी पंच तत्व में विलीन हो चुके हैं। आज जो है कल उनका निधन हुआ था और आज के दिन जो है उन्हें पंच तत्व में विलीन कर दिया गया है। यहाँ पे कई सेलेब्स आए थे, बॉलीवुड की चाहे शक्ति कपूर हो, मीका सिंह, सुनील पाल और सभी अन्य, रूपा गांगुली और विद्या बालन भी यहाँ पे आई हुई थी उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए। और यहाँ पे जो है विधि हिसाब से जो है हिंदू धर्म विधि के हिसाब से उनका अंतिम संस्कार संपन्न हुआ है और आज जो है बप्पी दा पंचतत्व में विलीन हो गए हैं। लोगों की जो आंखें हैं वो पूरी तरीके से नम है। यहाँ पे जितने लोग भी आए थे या जो भी उन्हें जानने वाले थे, जो व्यक्ति रूप से जानते थे या जो भी उनसे जुड़े थे, कहा जाता है कि बप्पी दा की एक आदत बहुत पुरानी थी मदद करने की, जो देखने को मिली है। हालांकि ज़्यादा से ज़्यादा कोविड के चलते लोग शामिल तो नहीं हो पाए, लेकिन ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने अपने एक्सपीरियंस से पिछले कल और आज से लोग ज़्यादा जो है शेयर करते नज़र आ रहे हैं। और बप्पी दा को हम सब जानते हैं कि गोल्ड मैन के नाम से जानते थे, न केवल भारत में बल्कि उनकी जो गायिका, उनका म्यूजिक कंपोजर जो था वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध था। जो भी वो गाने गाते थे, चाहे वो कैसे भी गाने हो, लेकिन बप्पी दा के नाम से ही वो गाने हिट हो जाते थे। इस वक्त मैं खड़ा हूँ दिले पार्ले के पवनहंस के पास में, जो शमशान भूमि, हिंदू शमशान भूमि है वहाँ पे। और ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं जो है कुछ समय पहले ही बप्पी दा जो है पंचतत्व में उनका पार्थिव जो शरीर था वो विलीन हो चुका है और विधि विधान हो चुका है। जी साफ तौर पर तस्वीरें देख सकते हैं। पिछले अगर 2 हफ्तों की बात की जाए तो काफ़ी बड़ा नुकसान देश को हुआ है। पहले तो स्वर कपिला लता मंगेशकर जी और उसके बाद बॉलीवुड के डिस्को किंग, यानी अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान को भी किसी ने डिस्को से रूबरू कराया तो वो बप्पी दा थे। और आज अगर देखा जाए तो पूरा का पूरा जो एक सदी है उसका अंत होते हुए नज़र आ रहा है। युवा पीढ़ी से लेकर बुजुर्ग तक सभी उनके गानों पर आज भी जो है वो ठुमके लगाते नजर आ रहे हैं। कई युवा जो है उनसे प्रेरणा लेते थे और काफी कम उम्र में जो है उनके निधन से काफी स्तब्ध है लोग। जी बिल्कुल सही कहा आपने निशा जी, जो युवा पीढ़ी है कहीं ना कहीं उनसे कुछ हमेशा सीखता था। और खासकर बप्पी दा की अगर बात किया जाए तो बप्पी दा 80 और 90 दशक के अपने एक सुपरस्टार थे। उन दिनों में जो है उन्होंने तमाम जितने आज के बड़े स्टार है, चाहे मैं बात करूँ अमिताभ बच्चन की, शक्ति कपूर, चाहे कितने भी बड़े स्टार हो, लगभग सभी के साथ उन्होंने काम किया था। और वो न केवल जो पुराने जनरेशन के लिए गाने बनाते थे ओल्ड जनरेशन के लिए, बल्कि जो नए जनरेशन में भी इस तरीके से घुल मिल जाते थे। उनके कई गाने हम सब ने देखे हैं कि उनके कई गाने आज की जो फिल्में हैं उन फिल्मों में यूज किया जाता है, रीमेक के तौर पर यूज किया जाता है यहाँ पे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रीतम जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बप्पी दा का अंतिम संस्कार जो है वो हो चुका है। बप्पी लहरी अब पंच तत्वों में विलीन हो चुकी है। सीधी तस्वीरें आप पवनहंस शमशान भूमि से देख सकते हैं। कल उनका 69 साल की उम्र में ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया नामक एक बीमारी से निधन हुआ था। काफ़ी समय से बीमार चल रहे थे, अस्पताल में थे
और उसके बाद उनके निधन की जो है वो देर रात खबर जो है वो सामने आई थी और आज उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। तो बप्पी लहरी के पंचतत्वों में विलीन होने के साथ ही बप्पी लहरी सदी का यहाँ पर अंत होता हुआ।